गाइस, आज हमारा है सेकंड डे धनौल्टी में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी अपने रिसोर्ट से निकल रहा हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक सफारी करने। एक जीप सफारी है जो कि जो मेरा रिसोर्ट है क्लब महिंद्रा, उसके ठीक सामने एक इको पार्क है जो कि बहुत फेमस है धनौल्टी में। वैसे तो धनौल्टी जो एक ऐसी जगह है कि मतलब आप यहाँ पे आके रिलैक्स करिए, बस पड़ जाइए अपने होटल में और नेचर को एंजॉय कीजिए, लेकिन एज अ ट्रैवलर मेरे अंदर एक वो होता है ना, जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं कि नहीं भाई, शांत नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने पूछा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि सुबह सुबह सफारी करिए, अच्छा है। और इसके बाद कोई एक 1.5 से 2 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक भी है, तो वो भी करेंगे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप लोगों को सफारी एंजॉय करवाते हैं। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये है इको पार्क और यहाँ से हमारी सफारी शुरू होगी। ये देखिए, ये पूरा जंगल एरिया है और सामने यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे 500 मीटर आगे, आपको यहाँ पे हिमालयन रेंज दिखेगी, बहुत प्यारी, पूरा बर्फ़ से कवर्ड आपको पहाड़ दिखेंगे। और ये जो है ये मेरा रिसॉर्ट है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है ये कनातल कौड़िया नेचर ट्रेल, 8 किलोमीटर लंबा है। आप चाहें तो यहाँ से ट्रैक करके भी जा सकते हैं, बट बेटर आप सफारी लीजिए और एंजॉय कीजिए उसको। और सफ़र शुरू करते हैं अपना, और शायद सामने जो है वो हमारी जीप खड़ी है, उससे बात करते हैं एक बार। 1800 रुपये जो है वो प्राइस है सफारी का, 6 लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर। तो भाई हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, नहीं सॉरी, ट्रैक नहीं सफारी, ट्रैक तो यहाँ पे बता रहे थे कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि मैं सफारी के बाद करूँगा, ब्रेकफास्ट के बाद। अभी हम जा रहे हैं सफारी के लिए, कुछ अजनबी लोगों के साथ बैठे हैं, टूरिज्म शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आ रहे हैं टूरिस्ट। और आप देख सकते हैं पूरा जंगल वाला एरिया शुरू हो चुका है। ये मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी मैं मुंबई से आया हूँ। ओके, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से हैं जी। उम्मीद तो नहीं है कि ज़्यादा कुछ जंगली जानवर दिखेंगे, शेर चीता। सफारी करने जाते हैं तो पहले यही आता है कि भाई शेर दिख जाए या टाइगर दिख जाए, लेकिन ऐसी किस्मत कभी रही नहीं है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और 2 घंटे का ये सफारी है, मतलब टू एंड फ्रॉम बोथ। वैसे धनौल्टी ऐसी जगह है कि मतलब आप आए, नेचर एंजॉय करें, रिलैक्स करें, बट वही है कि आप फिर भी जितना ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, लोगों को दिखाइए और उनको बताइए नई नई जगहों के बारे में। इको पार्क जो है ये पहले अभी खुल गया है टूरिस्ट के लिए, बंद था, अभी जस्ट 3 दिन पहले ही खुला है वो। और ये जो सफारी है ये है 1800 रुपये की, इसमें टोटल 6 लोग बैठ सकते हैं, अभी हम फिलहाल 5 बैठे हैं। अभी मैं आपको कुछ क्लासिकल शॉट्स दिखाता हूँ, वो एंजॉय कीजिए। ये देख रहे हैं व्यू कितना प्यारा है, ये पीछे पूरा जो पहाड़ है ना, अभी थोड़ा फॉग ज़्यादा है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट एक बार जैसे यहाँ बारिश हो जाएगी ना, पूरा साफ आपको क्लियर व्यू दिखेगा यहाँ से। ये जो पूरी हिमालयन रेंज है पीछे, तो अभी जो मैं सफारी पे निकला हूँ, ये बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये वन ऑफ द व्यू पॉइंट है। वो जो सफेद वाला जो पहाड़ दिख रहा है बैक साइड में, लास्ट बॉर्डर है यहाँ से, ओके, 50 किलोमीटर आगे चिनाली छोड़ आता है। अच्छा, उससे भी 50 किलोमीटर आगे, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे चिनाली छोड़ आता है। अच्छा, तो जहाँ से उसके पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है। अच्छा, अगर अटैक होता है तो वहीं से होगा, अपना ही समझ के रखते हैं कि यहाँ हमारा है। अच्छा, तो वहाँ पे उनकी आर्मी रहती होगी? हाँ, यहाँ अपनी आर्मी, यहाँ तो रोड एकदम बॉर्डर तक पहुँच गई है जो अभी। अच्छा, काम चल रहा था। तो वहाँ पे गांव वगैरह भी हैं, लोग रहते हैं उधर उसके आसपास? तो सारे गांव ही हैं, जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं गांव में, सारे गांव। पर ये एरिया जो भी, जब भी अटैक होगा ना, अगर चाइना ने किया इस साइड से, तो सबसे पहले बहुत नियर रही इंडिया। इंडिया कभी अपनी तरफ से अटैक नहीं करता? नहीं, यहाँ से नहीं करता, बट इनकेस अगर कहीं लड़ाई होती है तो सबसे नियरेस्ट पार्टी यही है, सबसे नियरेस्ट पार्टी गंगोत्री धाम से।
अच्छा गंगोत्री से मुश्किल से लास्ट बॉर्डर अपना गंगोत्री, उससे आगे रोड है नहीं, उससे आगे आर्मी जाती है बस। वो जो सामने जो पहाड़ है वो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा जो दिख रहा है सामने? ये सर अगर रोड बाई जाओगे आप बाई रोड तो अपना 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंडर ही आते हैं सारे। 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर में फिर वहाँ से पैदल ट्रैक होता है सारा ट्रैकिंग। अच्छा। दो दिन तीन दिन चार दिन का धीरे धीरे चढ़ते हैं फिर ऊपर। अच्छा 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 देख रहे हो क्या प्यारा रास्ता है, प्रॉपर जंगलों के बीच। अखरोट का पेड़ है ये? नहीं ये नहीं, अब बताता हूँ। अच्छा ये नीचे है अभी। तो गाइस अभी हमारा जो सफारी था, सफारी हमने एक पॉइंट पे आके अपनी जो जीप है वहाँ खड़ी कर दी है, यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं थोड़ा। ये है वॉलनट का, अखरोट का ये वाला? हाँ ये दिख रहे हैं सारे। अच्छा ये सारे वॉलनट के हैं? अच्छा ये आपको मतलब यहाँ पे वॉलनट कैसे, मतलब आपने देखे हैं या नीचे गिर जाते हैं यहाँ से, कैसा है निकालने के लिए? किताब निकालने के लिए चलना पड़ता है, फिर डंडा हाथ में लेके जैसे लंबी टहनी है। अच्छा उसमें मार के नीचे एक बंदा नीचे रहता है उसको प्रॉपर तोड़ के खा लो ऐसा? हाँ नीचे तोड़ते हैं उसको, सुखाते हैं। अच्छा सुखाया जाता है, तोड़ते हैं वो कच्चे होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा खेती की चीज की होती है? यहाँ वेजिटेबल है सारे, गोभी फूल गोभी बंद गोभी, अच्छा राई मूली धनिया मटर बीन्स ये सारी चीजें होती। तो गाइस अभी हमारा सफारी जो है एक पॉइंट पे आके हमने जो हमारे साथ हैं जो सफारी घुमा रहे हैं हमें जो गाइड है हमारे, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पे आके यहाँ से वॉक करके जाएंगे, तो थोड़ा सा देख रहे हैं अंदर जाके। और यहाँ पे वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेड़ है, अखरोट के पेड़ है, सेब के गार्डन है, और कुछ ऐसे भी पेड़ है उन्होंने बताया था कि जिनकी जो लकड़ी है वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। वो एक पेड़ जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का होता है, और उसकी खास बात ये होती है कि आपको उसके जो उस लकड़ी में से जो ऑयल निकलता है ना वो आपके जोड़ों के दर्द, आपके जो जॉइंट्स में जो पेन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और जो फुंसियाँ हो जाती हैं, जो फोड़े हो जाते हैं बॉडी में, उन सबके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है ना एक जंगल एरिया, और ये शांति बहुत है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। तो ये है कनातल से कौडिया, ये जो ब्लॉक है ये है कौडिया, कनातल से कौडिया का 8 किलोमीटर का हमारा ये सफारी का सफ़र है। तो 8 किलोमीटर आने के बाद अब हम थोड़ा सा अंदर वॉक करके जा रहे हैं, थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे यहाँ पे, और अच्छा है आप आ सकते हैं यहाँ पे जब भी आप धनौल्टी प्लान कर रहे हैं, तो एक पीसफुल आपका जो है ना एक ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो धनौल्टी आप ज़रूर आइए, और यहाँ पे नेचर एंजॉय कीजिए। और रास्ते में हमें बहुत सारे ऐसे बर्ड दिखे थे मुझे जो मैंने कभी भी अपने शहरों में देखे नहीं हैं, ऐसे बर्ड जिनके जिनकी जो पूंछ है वो मोर जितनी लंबी है, तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। ये देवदार नाम है इसका, ये कितने साल पुराना पेड़ होगा ये इतना लंबा दिख रहा है? 40 से 50 साल। 40 से 50 साल। इसकी ऐसी क्या खास बात होती है इस पेड़ की भैया? इसमें इसकी तो एक तो फर्नीचर बनता है इसमें, जो वो दीमक लगता है, दीमक नहीं लगता इसमें, कभी दीमक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा इसका जो ऑयल निकलता है अंदर से लकड़ी काट के, तो एक प्रोसेस है ऑयल निकालने का, वो जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, दाने वाने होते हैं, तो बहुत कड़वा होता है। अच्छा इसका ऑयल? ऑयल उसको अगर पी लिया। अच्छा पी लिया या लगा लिया? लगाना पड़ता है, पीना पड़ता है। ज्यादा बेटर है कि पी लिया उसको? ज्यादा बेटर है। दो चम्मच भी पी लिया तो एक ढक्कन पी लिया तो इसका मतलब है अंदर से जितनी भी गंदगी निकल जाएगी वो ऐसा का। दूसरा ये का फर्नीचर वर्नीचर सारे बनते हैं। वो सामने क्या है भैया, वो तालाब जैसा? ये जैसे अभी रात को जानवर वानवर आते हैं पानी, अभी तो सूख गया। अच्छा बरसात टाइम पे फुल भरा है। अच्छा बरसात टाइम पे तो जानवरों को पानी पीने के लिए एक तरीके से वो तालाब बना रखा है। अच्छा ये सब पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर रखा है? पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। गाइस ये था हमारा सफारी का सफर।
ये जो मैंने आपको दिखाया ये वीडियो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप धनौल्टी आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम धनौल्टी में और क्या कर सकते हैं। वैसे तो धनौल्टी जो है सिर्फ नेचर एंजॉय करने के लिए है, आप अपने रिसोर्ट में अपने होटल में रुकिए और एंजॉय कीजिए उसको। और बट उसके साथ साथ अगर आप बाहर घूमने चाहते हैं कि अपने होटल से बाहर जाके क्या करें, तो ये उसमें से एक चीज़ है, ये जो सफारी है कनातल टू कौडिया। कनातल धनौल्टी में जहाँ पे मेरा रिसोर्ट है क्लब महिंद्रा रिसोर्ट, जो मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले वीडियो में, वहाँ से ये कौडिया, ये जो अभी जगह है, जो ये जंगल है, ये कौडिया फॉरेस्ट कहलाता है। तो 8 किलोमीटर लंबा ये सफारी है, तो ये आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।